ज्ञान की पुकार पे चल पड़ा सही राह पे, ज्ञान की पुकार पे चल पड़ा सही राह पे। घर का दीपक गांव का गौरव वो ही नायक है, घर का दीपक गांव का गौरव वो ही नायक है। जो पढ़ लिख जाए ना पछताए जीवन बनाए, जो पढ़ लिख जाए ना पछताए जीवन बनाए। वक्त की पुकार पे चल पड़ा सही राह पे, घर का दीपक गांव का गौरव वो ही नायक है, घर का दीपक गांव का गौरव वो ही नायक है, वो ही नायक है, वो ही नायक है। चाचा जी कुछ साल आपसे दूर रहा, आप मुझे भूल गए? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, अपनों को कोई भूल सकता है क्या? मैंने सोचा ये कौन शहरी बाबू है जो हमारे पांव छू रहा है। शहर में भी बड़ों के पैर छूते हैं चाचा जी, और ऐसा चश्मा भी पहनते हैं। बेटा भाभी से हमें सब पता लगता रहता है, शहर में तुम बहुत तरक्की कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात। सब आपका आशीर्वाद है चाचा जी। अरे हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है, अब तुम एक ही लड़के हो जो इतनी तरक्की कर रहे हो, और ना बाकी लड़के तो क्यों चाचा जी, अपना कुंदन जमाल राजा बल्लू ये सब कैसे है, क्या कर रहे हैं ये लोग? चाचा जी आना आना घर में आना है, घर आना। How are you, mom? 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 एक चप्पल लगाओ, मेरे डॉक्टर ठिकाने आ गए। लगा लिया ना, आइए मेरे पीछे, आइए, 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 आइए। अरे कहाँ जा रहे हो? मॉम मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ, कुछ खा के तो जा। हाँ मैं आके खा लूँगा। अरे कहाँ जा रहे हैं वो तो बता। ईडन गार्डन। ईडन गार्डन। ये बॉल दे। सुनना सुनना, तुम बच्चे या क्रिकेट खेल रहे हो? बच्चे नहीं खेलेंगे तो बूढ़े खेलेंगे। ओहो वेरी स्मार्ट। मेरा मतलब है यहाँ पर कुंदन जमाल राजा ये सब क्रिकेट खेलते थे, वो लोग कहाँ? वो लोग अभी नहीं खेलते। क्रिकेट नहीं खेलते? आई मीन क्यों नहीं खेलते? वो लोग बड़े खेल खेलते हैं। हमारे आगे सौ। अरे ये सौ लाल पान पे आया, अरे बबुआ इसका भी सौ, और ये चल मेरा भी, अरे तुम्हारा भी सौ। अरे रुको, अरे खोलता है भाई, जल्दी मत कर, अरे खोला भाई, अरे पैसा छोड़ी नहीं, खोली ना, अरे दिखाते हैं ना पत्ता। अरे खो गया माल, लाल लाल फिरा करो इधर, सब पैसा लेने के चक्कर में रहते हो राजा। अरे किसी को नहीं भूला यार, किसी को नहीं। अरे भैया सुनाओ कैसे हो? अरे सब ठीक है, तू बता। क्या बात है, गरमा जिंसवा टी शर्ट में कागल आगे लगा के एकदम हीरो लग रहा है, हीरो। और तू विलेन लग रहा है, ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है?
ये बाबा बन रहा है बाबा। ए भैया कह रहा हूँ ये सुनाओ कैसे कट रहे तुम्हारे दिन शहर में आए, सुना बहुत तरक्की तरक्की कर रहे हो। हाँ तरक्की तो कर रहा लेकिन ये सब क्या है? बिजनेस है यार, 1, 2 का 4। बिजनेस? अरे छोड़ यार, कहाँ फंसा दिया। अच्छा ये बताओ गौरव कि शहर में कोनो लड़की वड़की पटाई कि नहीं पटाई? अरे नहीं यार, जब बड़बक क्या बात कर रहा था। आज लड़की वड़की पटाएगा शहर में? हाँ अरे कोई लड़की वड़की नहीं पटाई मैंने। क्या बात कर रहा है, कोई लड़की नहीं पटी? सीरियसली यार। अबे पटाई नहीं कि पटी नहीं है। चल ऐसा ही समझ ले। अरे तुमसे अच्छा तो हमारा कुंदन ही है कि गांव में रहकर ये सब कुछ कर लिया। क्या बात कह रहा है? हाँ कुंदन तू? अरे बता ना कौन है वो? अरे यार अपने वो। ए चुप कर, बता ना कुंदन। बताऊंगा यार, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है और हम उससे प्यार भी बहुत करते हैं। वेरी गुड यार, वेरी गुड। तू और प्यार, कहीं मजाक तो नहीं कर रहा? अरे मजाक नहीं यार, इस बार ये सच बोल रहा है, पगलाया हुआ उसके लिए। एक बात और है यार, हम शादी करेंगे तो उसी से। ओ, ओ, ओ। मैंने शादी की तारीख भी पक्की कर दी है, 25 मार्च। क्या 25 मार्च? और सारी तैयारियां हो गई है, बस आप लोगों को आशीर्वाद देने आना है। क्या आशीर्वाद? आशीर्वाद? मुझे विश्वास है आप आशीर्वाद देने जरूर आएंगे और मुझे पता है बहू आपको बहुत पसंद आएगी। ये क्या कह रही है तू? माँ कह नहीं रही हूँ, पढ़ रही हूँ, इसमें लिखा है। हे भगवान, क्या कर दिया इस लड़के ने। अजय सुनते हो? जरा देखो तो क्या हुआ। हे राम, अजय पढ़ो तो जरा चिट्ठी में क्या लिखा है। अरे क्या सत्यानाश करो ना, पक्की हो गई है 25 मार्च, मेरी तैयारियां पक्की है, बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। ठीक ही तो है। अरे अरे सुनो सुनो तो, ए बेटा रश्मि के घर बाद में आऊंगी। आपने तो इसे सिर पे चढ़ा के रखा है, इसीलिए भाग गई ना। चलो कुछ दिन और परेशान करने दो, बाद में तो पराई हो ही जाएगी। पराई हो जाएगी? अरे लड़की बड़ी हो गई है, उसकी शादी नहीं करनी है क्या? आपने कोई लड़का देख के रखा है क्या? मेरी नजर में एक बहुत अच्छा लड़का है उसके लिए। कौन है? गोलू, गोलू। हाँ माँ मैं बाहर हूँ। देख मैंने तेरे लिए आज क्या बनाया। क्या बनाया? हलवा। अरे वाह, लाइए लाइए। आहा तुझे बहुत पसंद है ना? अरे हाँ माँ, तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहिए थी। अरे पहले हलवा तो खा ले, ऐसी बातें आराम से की जाती है। अच्छा मैं समझ गया आप मुझसे क्या बात करना चाहते। मेरी शादी की बात करना चाहती है ना? तुझे कैसे पता चला? इस तरह से जब कोई बात करता है ना तो वो शादी की ही बात होती है। आई नो। अच्छा माँ याद है मुझे शाम का खाना नहीं बनाना, मैं बाहर खा रहा हूँ। क्यों? वो क्रिकेट मैच है डे नाइट, मैं कुंदन के घर जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, मैं क्रिकेट मैच भी देखूंगा। अच्छा वो सब ठीक है, तू कुछ कह रहा था ना? मैं क्या बता रहा था? अपनी शादी के बारे में। वो मैं नहीं बता रहा था, आप बता रही थी। बता। देख बहुत खूबसूरत लड़की है, पढ़ी लिखी है और खानदान भी अच्छा है। देख ऐसी लड़की तुझे फिर कभी नहीं मिलेगी। यानी कि सारी तैयारियां पहले से हो चुकी, मुझे तो सिर्फ घोड़ी चढ़ने की देरी है ना। अच्छा बताइए कौन है वो? गौरी। गौरी कौन वो? आई मीन गौरव, गौरव कौन? अरे अरे चाचा जी आप आइए 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 चाचा जी। आई लाइक जीते रहो जीते रहो। आइए क्या कर रहे हो? बस बैठा था। आज इधर का रास्ता कैसे भूल गया? अरे घर से निकला था, थोड़ी फुर्सत थी, सोचा तुमसे मिलता चलूं। फिर हो जाए दो दो हाथ। हाँ क्यों नहीं आइए आइए, फिर शतरंज ले आओ। बस अभी लेके आता हूँ। नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते नमस्ते माँ। चाचा जी के लिए चाय लेके आइए। हाँ, अभी क्या खा रहे थे तुम? वो मैं हलवा खा रहा था। हलवा खा रहा था और चाचा के लिए सिर्फ चाय? मैं आपके लिए हलवा लेकर आई हूँ। आइए सर जी। और बताइए क्या चल रहा है? बस सब ठीक चल रहा है, शतरंज ले आओ। बस अभी लेके आता हूँ। अरे वाह, ये तो बढ़िया शतरंज ले आए तुम शहर से। चाचा जी शहर से नहीं लाया, ये यहीं की बनी हुई है। क्या बात कर रहे हो, इतनी अच्छी शतरंज यहाँ बनी है? कल्लू से बनवाई क्या? अरे नहीं चाचा जी,
कल्लू ने नहीं बल्कि मेरे दोस्त बल्लू ने बनाया है। क्या बात करते हो, उस आवारा ने बनाया है? चाचा जी आप भी ठीक है, ठीक है खेल शुरू करो। मैच इंडिया जीतने वाला है। अरे कुछ नहीं बोल सकते हैं यार, अब भाई देखो दो विकेट गिर गया ना, तो उसके बाद देखो हाँ तुम चलो हम आए, तुम चलो हम आए। अरे चुप रहना यार, कहाँ कहा तो जब तक सचिन मैदान में है इंडिया ही मैच जीतेगा रे। कोनो भरोसा नहीं है, कोनो भरोसा नहीं है, अभी तो 50 बॉल में 65 रन बनाना है और तीनों विकेट हाथ में है। चलिए लगी 10-10 रुपए की इंडिया जीतने वाले में। अरे यार चुप रहना, चुपचाप बैठ के मैच देखो ना यार। अरे नहीं अरे ये देखो टीवी हम लिया खराब हो जाएगा, बोलते हैं पूरा 5000 दिए इसका। नहीं यार इसको थोड़ा बहुत आता है, करना कुछ यार। बल्लू पेचकस लाइयो पेचकस। अरे क्या कर रहा है यार ये, देखो जल्दी ये भाई बहुत महंगा टीवी है, खराब मत करना यार। बड़ा यार पेचकस वहाँ का चलो यार। अरे मत करो यार, हम बोलते हैं अरे कैसे आदमी हो यार तुम लोग। अरे जल्दी कर जल्दी कर, मैच निकलना यार। ये भैया हट जाओ रे, करंट उरेंट लग जाएगा फिर। चलो ये भाई जा रहे तुम लोग। क्या बात है, अरे छोरी मान भी ले बात मोरी, मैंने प्यार तुम्ही से है किया, हो तेरे बिन भी जिया तो क्या जिया। तेरे नैनों में ये जो काजल है, सपनों का बादल है, मन तेरे प्यार में पागल है। गोरियो छोरी, बस 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 छेड़खानी करना, गाने गाना, जुआ सट्टा, इसके अलावा और आता क्या है तुम्हें? तुमसे प्यार करना। क्या मतलब है इस प्यार का, जिस प्यार में शादी ना हो पाए? कुंदन ये बेईमानी है, फिजूल है। अरे तो हम करेंगे ना तुमसे शादी। लेकिन हम क्यों करेंगे तुमसे शादी, हम पागल हैं क्या? अरे काहे नहीं करोगी, क्या कमी है हमें? अच्छा बीकॉम किया है, कभी ढंग की आज तक एक नौकरी की है, कभी तरीके से 1000 रुपए भी कमाया है? अरे तो क्या करेगी, अमेरिका जाएगी उसके कांजे? इस गांव में ऐसा कौन है जिससे तू शादी कर सके? गौरव तो कौन सा गलत कह दिया उसने, क्या तू जुआ नहीं खेलता है, सट्टा नहीं खेलता है, गलत काम नहीं करता है तू? अबे तो तू कौन सा दूध का धुला है अबे? तो मेरी छोड़ पर अपनी सोच और उस गौरव की। गौरव? हाँ यार क्या करेगा तू उसका? करेंगे क्या, उसका जान ले लेंगे या फिर जान दे देंगे। अरे छोड़, कोई जान नहीं देता, सब कहने की बातें हैं। तू देखना थोड़े ही दिन के बाद उसका सारा प्यार ठंडा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता रश्मि वो मुझे भूल जाएगा। अरे अपनी जान कोई भूल सकता है क्या, और गौरी हमारी जान है। तू बस ऐसे ही बकबक करते रहना और कुछ करना मत। हमने सोच लिया है हमें क्या करना है। वो कुछ भी कर सकता है, बड़ा जिद्दी है वो। तू उसे डरती है क्या? मैं डर नहीं रही हूँ, मुझे तो बाबूजी की इज्जत का ख्याल है। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ जल्दी से जल्दी शादी कर ले। शादी? हाँ गौरव से शादी कर ले, सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। अभी इतना सोच क्या रही है, मैं कह रही हूँ ना गौरव से जल्द शादी कर ले। कभी नहीं, कभी भी नहीं, समझा तू? गुड़िया, ओ गुड़िया, अरे तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? क्या हुआ बे? गांव में शूटिंग वाले आए हैं। अरे शूटिंग वाले? गांव का लड़का चाहिए एक्टिंग के लिए। कौन लड़का? हाँ। अरे शूटिंग वाले, मजा आ गया, चलो चलो। गुड़िया गुड़िया शूटिंग वाले। रेडी, रेडी सर, थोड़ी रेडी है भैया। रेडी है,
लड़कों का क्या हुआ सर? किसी को लाइन्स याद नहीं हो रही है। मानसी मैं तेनों किन्नी बार क्या मुंडिया लाइन्स याद करा याद करा याद करा, कहीं से भी पकड़ कर लाओ उनको याद कराओ। ओके सर। टाइम वेस्ट हो रहा है। ये मैडम सुना है आपको दीपक चुप। तुम करोगे? हाँ। स्पॉट बॉय किसको बुलाया? गोबर साफ कराओ यार। तुम करोगे? लो लाइन्स। ये मैडम जरा सुनिए, देखिए हमको पढ़ना उड़ना नहीं आता है, आप पैसा कीजिए हमको बोल के याद करा दीजिए, लेकिन दूसरा याद होगा। अच्छा मैं बोलूंगी तो तुम्हें याद हो जाएगा? हाँ? अच्छा फिर बोलो। ए साहब हम गांव के लोग गरीब जरूर है लेकिन ईमानदार है, रूखी सूखी खाकर अपना पेट पाल लेंगे, लेकिन गलत तरीके से कमाई हुई दौलत को हाथ नहीं लगाएंगे। बोलो बोले गाँव टिकाओ नहीं, हम बोलते ना गाँव बिकाओ नहीं। आगे बोलो। हटा दूसरा लो। अरे दूसरा भी लो। गांव बिकाओ नहीं है ये साहब, हम गरीब गांव बिकाओ। चलो गरीब गांव वाले हटो पीछे। तीसरा भी लो। मैडम एक डायलॉग याद नहीं होता। लोग बिकाओ गांव। मानसी किसको पकड़ लाए? चलो कोई और है? कोई और है? आओ भाई। ए साहब हम गांव के लोग बिकाऊ है। गांव के लोग बिकाऊ है, ये पुतले की तरह क्या खड़ा? हटो पीछे हटो। मानसी इन लोगों को पकड़ कर तुम ले आई, इन लोगों को एक डायलॉग याद नहीं है? मुखिया जी आपके गांव में कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है जो एक डायलॉग बोल सके, एक लाइन। आप मुझे लाइनें दीजिए, मैं करता हूँ। आप करोगे? हाँ जी। लाइन बोलोगे? हाँ। मानसी दे लाइन दे। ये लो। जी कौन सी लाइन है? यहाँ से ये। यस। ठीक है बोलिए। ए साहब हम गांव के लोग गरीब जरूर हैं लेकिन ईमानदार हैं, रूखी सूखी खाकर जी लेंगे लेकिन आपकी गलत तरीके की कमाई हुई दौलत को कभी हाथ नहीं लगाएंगे, इसलिए यहाँ नोट दिखाकर वोट हासिल करने की गलती कभी मत करना। अरे मानसी ये तो बोल गया। वेरी गुड शाबाश, वेरी गुड। मानसी एक काम करो इसे लाइन अच्छी तरह याद करा लो। आप अच्छी तरह लाएंगे तो सुरेश टेक करेंगे यार। तो जल्दी फटाफट फुल लाइट कर जल्दी। तुझे कौन सी दुश्मनी निकाल रहे मुझसे? देख गौरव ज्यादा अनजान मत बन। शहर में जाके चार क्लास क्या पढ़ लिया, हम सबको बेवकूफ समझता है? तेरी ये सारे पैतरे मैं समझता। क्या समझता है तू? अरे क्या समझता? अगर इतना समझता तो अरे तू बहुत कुछ समझता। अरे अपने आपको चार किताबें क्या पढ़ लिया, बहुत बड़ी तीर मार ली। अरे ये तो हम कभी भी कर सकते हैं। तो कर ना, मेरी तरह बन के दिखा, मैंने मना किया है। काहे बन के दिखाए तुम्हारे जैसा? कौन है तुम? भगवान राम है, कृष्ण है, तुम्हारे जैसा बन के दिखाए? कितना कमाता है रे तुम?
कितना कमाता है शहर में? साला 1,000, 5,000, 10,000 इतना तो हम गांव में कमा लेते हैं बैठे बैठे। अरे तभी गौरी की शादी जो है ना मुझसे हो रही है, तुझसे नहीं। एक गौरव गौरी को मतलब इसमें क्यों लगी मिर्ची? सर देखा, हमको पहले से मालूम था ये दोगला आदमी है, शादी करना चाहता है साला ये गौरी से। हाँ करना चाहता हूँ और हो भी जाएगी। देख लिया ना, यही बोल देते हम, बहुत मतलबी आदमी है साला। मतलबी नहीं हूँ कुंदन, पढ़ा लिखा हूँ मैं, जो तू नहीं है। नहीं तो तूने आज गौरी के लिए मेरा सर नहीं फोड़ा होता। भगवान की कसम, लेकिन बस एक ही कमी है तुम लोग, एक ही कमी है, पढ़े लिखे नहीं हो तुम, पढ़े लिखे नहीं। करेंगे ना तुमसे शादी? लेकिन हम क्यों करेंगे तुमसे शादी? हम पागल हैं क्या? अरे काहे नहीं करोगी, क्या कमी है हमें? अच्छा, बीकॉम किया है? कभी ढंग की आज तक एक नौकरी की है? कभी तरीके से 1,000 रुपए भी कमाया है? अरे तो क्या करेगी, अमेरिका जाएगी उसके कांजे? इस गांव में ऐसा कौन है जिससे तू शादी कर सके? गौरव, ये साहब हम गांव के लोग गरीब जरूर हैं लेकिन ईमानदार हैं। दुखी सुखी खाकर जी लेंगे लेकिन आपकी गलत तरीके की कमाई हुई दौलत को कभी हाथ नहीं लगाएंगे। इसलिए यहाँ नोट दिखाकर वोट हासिल करने की गलती कभी मत करना। अरे मानसी, ये तो बोल गया। तू बहुत कुछ समझता है अपने आप को। चार किताबें क्या पढ़ लिया, बहुत बड़ी तीर मार ली। अरे ये तो हम कभी भी कर सकते हैं। तो कर ना, मेरी तरह बन के दिखा, मैंने मना किया। कितना कमाता है रे तू? कितना कमाता है शहर में? साला 1,000, 5,000, 10,000 इतना तो हम गांव में कमा लेते हैं बैठे बैठे। अरे तभी गौरी की शादी जो है ना मुझसे हो रही है, तुझसे नहीं। एक गौरव गौरी को मतलब इसमें क्यों लगी मिर्ची? सर देखा, हमको पहले से मालूम था ये दोगला आदमी है, शादी करना चाहता है साला ये गौरी से। यही बोल देते हम, बहुत मतलबी आदमी है साला। मतलबी नहीं हूँ कुंदन, पढ़ा लिखा हूँ मैं, जो तू नहीं है। तू नहीं है। नहीं तो तूने आज गौरी के लिए मेरा सर नहीं फोड़ा होता। एक ही कमी, पढ़े लिखे नहीं। काले पे, ए भाई काले पे, ए कुंदन काले पे, आता है क्या? अरे राजा भैया, आपकी बेल फिर से गिर गई। क्या बाबू तो मुखिया जी के साथ बाहर गए हुए हैं। देख इसको, पहले चक्कर आते थे गिर जाती थी खड़ी हो जाती थी, अब तो खड़ी में नहीं हो रही। डॉक्टर को बुलाया तूने? अरे डॉक्टर नहीं है, बाहर गया यार। तो पर्ची है क्या? पर्ची लिखी है तो घबरा मत। एपिलेप्टिक डिसऑर्डर, नौजिया, स्टेमिटर। पेशेंट को होश आने के बाद दूध के साथ ये दवा देना। क्या? अरे कुछ नहीं है रे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। होश आने के बाद ये दूध के साथ दवा दे देना। फिट आया था इसको, इतना समझ में नहीं आता क्या तुम लोगों को? लेकिन हमने सोचा। क्या सोचा? हम क्या करते हैं, हमने देखा यार हिंदी में लिखा है, यार हिंदी में, इतना पढ़ना नहीं आता तुम लोगों को। अब भी सुधर जाओ, पढ़ लो यार पढ़ लो, अपने लिए नहीं तो अपने लोगों के लिए सही। कुछ खोएगा नहीं तुम लोगों का, बल्कि पाओ, डेफिनेटली पाओ। बाय गौरव, मत जाए यार। देख हम लोगों से गलती हो गई,
माफ कर दे हमें मगर जा मत यार। अरे कैसी माफी माफी यार, माफ मत कर हम लोग को, माफ मत कर तू। अरे थप्पड़ मार हमको, थप्पड़ मार। पागल हो गया क्या कुंदन, कैसी बातें कर रहा है? अरे हम सच कह रहे हैं यार, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हुई हमसे। हम चला तुम्हारा कुछ बात नहीं समझता, चला दिमाग नहीं है हमको। लेकिन यार यार फिर वही किसी पीटी बात है, तू समझ नहीं रहा है कुंदन। समझ रहा हूँ, मैं सब समझ रहा यार। तू चाहता है ना हम पढ़ाई करें, हम खूब पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, साला डेफिनेटली पढ़ेंगे। लेकिन तुम हमको छोड़ के मत जाओ दोस्त। यार कुंदन मुझे जाना पड़ेगा। देख मैंने जो समझाना था तुझे तू समझ गया ना, मेरा काम शहर में, वहां तो हमें जाना ही पड़ेगा। अरे तो यही कोई काम कर लो ना यार। अरे बल्कि तुमको काम करने की क्या जरूरत है, तुम तो हमारे नायक हो, नायक। तुम तो दोस्त हम लोग को संभाल लो भाई। अरे प्लीज मैं कोई नायक वायक नहीं हूँ, तू नायक है, ये नायक है, ये नायक है, हम सब नायक है कुंदन। अब हमने जो कहा बस उसका ख्याल रखना, खुश रहना। घर का दीपक, गांव का गौरव, वो ही नायक है। घर का दीपक, गांव का गौरव, वो ही नायक है। जो पढ़ लिख जाए ना पछताए, जीवन बनाए। जो पढ़ लिख जाए ना पछताए, जीवन बनाए। वक्त की पुकार पे चल पड़ा सही राह पे, घर का दीपक, गांव का गौरव, वो ही नायक है। घर का दीपक, गांव का गौरव।